ब्लेन अपार्टस ऑटोमेटिक, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए अंत तक। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक ब्लेन अपार्टस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे इसका के कांस्टेंट कैसे सेट करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे सेट करेंगे, और इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, और इसमें सेट कैसे करेंगे, तो आगे जानते हैं थोड़ा नज़दीक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोड है, ए सी स्टॉप है, शिफ्ट है, स्टार्ट है। तो मैंने जो है 2.8 ग्राम सैंपल लेकर के इसमें मैंने लिया है और इसमें मैंने फिलअप कर लिया है दोस्तों। तो आप लोग भी 2.8 ग्राम सैंपल लेकर के कोई भी स्टैंडर्ड सीमेंट जो भी NCCBM का होगा उसको इसमें फुट कर लीजिएगा, और उसको जो है इस पर आपको डालना है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं ऊपर मैंने कैसे डाला है, तो इस तरह सेट करके, और उसके बाद जो है इसको जो है आप स्टार्ट को जो है क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कैसे अंदर जो है मैनोमीटर ऊपर जा रहा है अपने आप, और अपने आप जो है ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और टाइमिंग यहाँ पे आपको शो करेगा। तो हमको यहाँ पे जो टाइमिंग आएगा वो टाइम हमको चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फैक्टर सेट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे तब तो अभी आप देखिए यहाँ पे 52 आया है, मैं उस रीडिंग को नोट करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो 52 जो है पहले मैं टाइम को जो भी मेरा आया है उसको सेकेंड में नोट कर लूँगा, तो उसके आगे मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करें। जैसे कि मेरा अभी 52 सेकेंड आया है दोस्तों, तो इसको मैं रूट करूँगा, तो जो भी मेरा 52 सेकेंड आया रहेगा, 52 रूट, तो मेरा यहाँ पे आ गया 7.211। तो जो स्टैंडर्ड आपका ब्लेन है, ब्लेन तो मेरा स्टैंडर्ड ब्लेन है 274 NCCBM का। तो दोस्तों 274 को क्या करेंगे, 274 भागा 7.211 करेंगे तो मेरा फैक्टर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, 274 भागा 7.211 फैक्टर करेंगे तो मेरा ये फैक्टर निकल गया 37.99, ठीक है। ये मेरा फैक्टर है, इस फैक्टर से हम लोग जो है टेस्टिंग आगे करेंगे। तो यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि 39.99 कैसे सेट करना है। तो देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे वैसे सेट किया हूँ, 39.99 देख लीजिए सबसे ऊपर में है, तो ये फैक्टर मैंने पहले सेट कर दिया है, तो उससे मेरा वैल्यू यहाँ पे आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि इसको कैसे सेट करेंगे ये जानते हैं, आइए। तो यहाँ मोड है, तो मोड में जाना है आपको, सिलेक्ट सैंपल करना है, जो भी सैंपल टेस्टिंग करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बैक आएंगे, तो फिर जो है मुझे अगर उसका फैक्टर चेक करना है, फैक्टर सेट करना है, तो सेट के कांस्टेंट में आपको आना है दोस्तों। तो सेट के कांस्टेंट में जाएंगे, ये ओके करेंगे, इंटर करेंगे, और उसके बाद जो है ये जो है 039 बुक कर रहा है, उसको क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट से जो है बैक में आ जाएंगे। तो देखिए ये चालू हो गया मेरा, तो यहाँ से मैं 3 को अप डाउन कर सकता हूँ। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे फार्मूला सेट कर लेना है आपको, ये 39 हो गया, फिर ऐसे इसको मैं बढ़ा लूँगा इससे, फिर ऐसे आऊँगा, इसको बढ़ा लूँगा, इसको बढ़ा लूँगा, और उसके बाद इंटर कर दूँगा। इंटर करने के बाद इसको ESC से बैक आ जाऊँगा, बैक आने के बाद क्या करना है आपको, ब्लेन देखना है, तो फिर से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्टिंग मोड आ गया मेरा दोस्तों, देखिए। तो इस तरह से आप इस ब्लेन के बारे में और पूरी तरह से आप सेट कर सकते हैं। कि सेल जो है आपका, इस सेल का हम लोग सेल वॉल्यूम निकालेंगे इससे, मर्क्यूरी से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मर्करी है SG। तो इस सेल से हम लोग कैसे निकालेंगे जानेंगे, वेट लेंगे इसमें, वेट लेना है इसमें, इस सेल को इसमें भर के, है ना। तो क्या प्रोसीजर है आइए जानते हैं। फर्स्ट जो है हमको इसमें का सीमेंट का जो भी है इसका सेल का हमको वेट ले लेना है, इसके साथ में डिस्क फिल्टर पेपर वगैरह रहता है, तो क्लियरली मैं आपको समझाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल डिस्क फिल्टर पेपर 2 लेना है, और इसको पहले वेट कर लेना है। तो जो भी वेट आएगा इसको आप एंट्री कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड जो है आपका सेल डिस्क फिल्टर पेपर,
प्लस मर्क्यूरी डालेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर में डालने के बाद इस लेयर तक डालेंगे उसके ऊपरी भाग तक, और उसके बाद जो है ऐसे करके इसको हटा देंगे। और उस इसमें हम वेट ले लेंगे बीकर में ही, बीकर इसमें रख करके बीकर में इसमें उसको खाली कर देंगे, ये सेल जो है इसको इसमें खाली करेंगे, ठीक है। इसमें खाली करने के बाद इसका वेट लें, जो भी वेट आता है आपका मर्करी का, तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू आ गया, ये एक तो आपने सेल डिस्क फिल्टर पेपर का वेट किया तो आपने 124.2672 आ गया। दूसरा आपको जो है वेट किया आपने सेल डिस्क फिल्टर पेपर, और पहले सेल में जो है डिस्क लगाया, डिस्क लगाने के बाद फिल्टर पेपर दो ठो उसमें सेट कर दिया, उसके ऊपर से HG डाल के उसको लेवल मिला करके उसको किसी चीज़ में वेट कर लिया, ठीक है। तो मेरा ये वेट आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ए निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है मैंने माइनस कर दिया 124.2672 206.039 में से इसको मैंने माइनस किया, तो मेरा ए का वैल्यू निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद तीसरा करेंगे सेल प्लस सीमेंट स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड सीमेंट है आपके पास OPC का, तो उसे 2.8 ग्राम सीमेंट लेंगे। उसके बाद जो है पहले तो सेल को लेंगे, सेल में डिस्क डालेंगे, डिस्क में डालने के बाद एक फिल्टर पेपर डालेंगे, फिल्टर पेपर डालने के बाद सीमेंट स्टैंडर्ड 2.8 ग्राम वेट करके इसमें डालेंगे, और उसको फिल्टर पेपर एक और ऊपर से डाल करके उसको टाइट कर देंगे प्लंजर से, इस प्लंजर से इसमें डाल करके उसको टाइट कर लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो इसको टाइट करने के बाद उसको फिर निकाल लेंगे। उसके ऊपर जो भी है ये देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने सेट कर दिया है फिल्टर पेपर, इसके ऊपर में हम लोग मर्करी डालेंगे, और जो भी मर्करी आएगा फिर उसको हम लोग लेवल मिला लेंगे, ऐसे लेवल मिला लेंगे। लेवल मिलाने के बाद इसको फिर से इसको जो है उसमें डाल करके बैलेंस पे, और उसमें जो है इसको खाली कर लेंगे मर्करी को सिल, और उसके बाद उसका मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट लेने के बाद जो है उसका भी नोट करेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लियर समझिएगा, सेल लिया मैंने, उसमें 2.8 ग्राम सीमेंट डाल करके डिस्वेयर के साथ में उसका वेट पहले ले लिया, उसके बाद उसके ऊपर में जो मैंने मर्करी फिल किया वो लिया मैंने यहाँ पे 1. इतना वेट आया 185, तो इसको वेट लिया। तो बी का मान निकालेंगे हमको, तो 127 जो आया था सेकेंड वाला, तो उसमें से माइनस करेंगे मेरा जो है उसके ऊपर में जो वैल्यू था सीमेंट के ऊपर में जो मर्करी डाला हुआ उसका वेट किया तो इतना आया, तो उसको माइनस किया तो मेरा वैल्यू यहाँ निकल गया बी का मान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी ए एंड बी, ठीक है। इसी तरह ए, अब इसका हमको सेल वॉल्यूम निकालना है, तो सेल वॉल्यूम निकालने के लिए ए माइनस बी डिवाइडेड डेंसिटी, जो भी रूम टेम्परेचर रहेगा, तो एक शीट बनाया गया है एज पर 4031 के BIS अकॉर्डिंग, तो उसमें जो है रूम टेम्परेचर पे आप ले लीजिएगा। तो मेरा 13.55 लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पे, तो ए माइनस बी किया हुआ है तो ए यहाँ पे आ गया वैल्यू 81.77 जो मैंने ऊपर निकाला था, और यहाँ पे मैंने पुट किया बी का मान यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे मैंने पुट किया तो मेरा निकल गया 23.5651। अब क्या करेंगे, 23.5651 डिवाइडेड 13.55 करेंगे तो मेरा सेल वॉल्यूम आ गया 1.7391। तो इस तरह से सेल वॉल्यूम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। अब सेल वॉल्यूम निकालने के बाद हमको वेट करना है सीमेंट का वेट कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सीमेंट का वेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे है वेट ऑफ सीमेंट, तो वेट ऑफ सीमेंट का निकालने के लिए वेट यहाँ पे निकालेंगे वी पी क्या मान समझ सकते हैं आप, डेंसिटी है, और कोस्ट में देकर के 1 माइनस पोरोसिटी। वी का मतलब होता है सेल वॉल्यूम जो अभी आपने यहाँ निकाला है, और उसके बाद जो है पी का मान जो है आपका डेंसिटी हो गया, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ई का मतलब हो गया आपका पोरोसिटी ऑफ सीमेंट वेट। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है कि सीमेंट का वेट कैसे निकालेंगे, तो 1.7391 इंटू 3.16 डेंसिटी ऑफ सीमेंट इंटू पोरोसिटी ऑफ 0.500 बराबर 2.7478 OPC का वेट निकल गया ये, ठीक है दोस्तों। उसी तरह इसका फैक्टर निकालना है, चाहे मैनुअल आपके पास मैनोमीटर है ब्लेन अपैरेटस, या आपके पास ऑटोमेटिक ब्लेन अपैरेटस जो भी है उसका सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में पुट करना रहता है वैल्यू को, और इस तरह जो है मैनुअल में आप निकाल सकते हैं जो भी रिजल्ट आपका होगा। तो फैक्टर निकालने के लिए जानते हैं, तो जो भी आपका स्टैंडर्ड सीमेंट है उसका जो वेट आया, ये वाला वेट, ये वैल्यू जो आया उतना वेट लेकर के हमारा 52 सेकेंड आया टाइम, ठीक है, टाइमर से।
तो 52 सेकेंड आया तो उसको रूट कर दिया तो मेरा आया 7.211। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड ब्लेन होगा उसका, यानी फाइनेंस ब्लेन जो भी बोल सकते हैं, तो 274 मेरा ब्लेन, तो 274 भागा 7.211 करेंगे तो 37.99 फैक्टर निकल गया। इस तरह से एक ये सर्कल है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। दोस्तों बहुत दोस्तों ने हमको सेल वॉल्यूम के बारे में कैसे निकालना है, वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकालना है, फैक्टर कैसे निकालना है, इसके बारे में पूछा था तो मैंने आपको बताया है। दोस्तों धन्यवाद। इसको जानने के लिए आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा से मैं समझाऊंगा। जो ऑटोमेटिक ब्लेन अपार्टस है तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं ब्रीफ किया हूँ, जानकारी दिया हूँ किस तरह से मोड में जाकर सेट करना है, कैसे फैक्टर सेट करना है और उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद।